नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कल कुमारी मायावती का जन्मदिन था, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो किसी भी दल से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में जो सियासी सरजमी है, 2022 में चुनाव होना है, उसे एक साल पहले से जो तैयारियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में प्रद्युम्न, ये जो कदम है जो मायावती ने बोला है कि वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसको आप किस तरफ से देखते हैं, जोखिम भरा है या फिर फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसे में बीते दिन मायावती का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर उन्होंने सुबह ही आते टीवी पर सबसे बड़ा ये ऐलान कर दिया कि जब अब जो 2022 में चुनाव हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब जब उन्होंने गठबंधन किया है तो उनको नुकसान झेलना पड़ा है। तो ऐसे में जब मायावती ने इतना बड़ा ऐलान किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होगी, कुछ ना कुछ समझ होगी, पार्टी का निर्णय होगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि ये एक साल पहले, चुनाव से एक साल पहले इस तरीके का ऐलान करना मायावती को काफी परेशानी में भी डाल सकता है। क्योंकि छोटे दलों की बात करते हैं या अखिलेश यादव की बात करते हैं तो लगातार गठबंधन की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। ओवैसी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में मायावती के साथ भी हम गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन जब मायावती ने साफ तौर पर इस बात को अब बोल दिया है कि अब गठबंधन मैं नहीं करूंगी क्योंकि हमें नुकसान झेलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2022 का चुनाव किस तरीके से बसपा लड़ पाएगी। क्योंकि 22% चुनाव यहाँ पे दलित वोटर है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है बसपा और ऐसे में अकेले अपने दम पर लड़ती है तो कहीं ना कहीं फर्क जरूर महसूस हो जाएगा। क्योंकि एक समय था जब मायावती की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में, जब मायावती का जन्मदिन होता था तो जन्मदिन पर ना जाने कितने लाखों का तो चढ़ावा आता था, केक कटता था, हीरे जवाहरात के हार पहन के वो केक काटती थी। लेकिन एक वो समय था, एक आज का समय है कि कल उनका जन्मदिन था और बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से जन्मदिन उनका मना है। तो कहीं ना कहीं जो मायावती की माया उस समय थी वो माया अब जरूर बिल्कुल देखने को नहीं मिल पाती है, तो फर्क तो जरूर आ जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मायावती ने कहा कि महागठबंधन से उनको घाटा हुआ है इसलिए वो इस बार किसी भी गठबंधन के मोड में नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रद्युम्न, 2019 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव थे, तब वो 10 सीटें जीती थी। इससे पहले वाले में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो गठबंधन करने से, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से उनको एक बड़ा फायदा देखने को मिला था जो कि राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना रहा था। इसके साथ ही जो इस बार जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनकर सामने आने वाला है वो है AIIM असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही बिहार की राजनीति में कूदे, चुनाव में उन्होंने बहुत से पासे पलट दिए और बड़ी जो आंकड़े थे उनको भी घुमा फिराकर इधर से उधर कर दिया। आरजेडी जो है आज भी इसके पीछे, अपनी हार के पीछे जो वजह है वो असदुद्दीन ओवैसी को मानती है। अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी हो चुकी है। उन्होंने वहां पर भी चुनाव लड़ने की बात कह दी है, वो कह रहे हैं कि वो यहां भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो पोलराइजेशन है, ऐसे में जो ध्रुवीकरण है वो बहुत मजबूत हो जाता है और ध्रुवीकरण देखने को भी मिलता है। यहां पर मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी के अंडर में इस समय और कांग्रेस के अंडर में इस समय देखा जाता है। जैसे हम जब दलितों की बात करते हैं तो वो मायावती का वोटर कहलाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुस्लिम वोटर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास चला जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से इसमें एक बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा आंकड़ों से और ग्राफ के लिहाज से हमेशा ही भाजपा को मिलता रहा है। कई दफ़ा ये बातें भी चलती हैं कि AIIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है, इस तरह की बातें भी चलती हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। लेकिन वो सीधे कहते हैं कि नहीं, वो बात उठाते हैं, वो हर किसी की बात करते हैं, वो हर किसी की बात को आगे बढ़ाते हैं, रखते हैं, वो सभी के नेता हैं। एक बात और आपने एक जिक्र किया कि 22% जो वोटर है, जो मायावती का जो दलित वोटर है वो 22% है, उसमें भी दो भागों में बटा हुआ है। एक जो 14% जो वोटर है जो कि जाटव में आ जाता है, ऐसे करके जो दो भागों में बटे हुए हैं, इसमें एक और जो सेंधमारी कर सकता है वो है भीम आर्मी। भीम आर्मी रावण चंद्रशेखर जो है उनकी पार्टी है। इस बार जो दलित जो एक वर्ग है वो ज़्यादातर उनकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, वो उनकी तरफ ज़्यादा देख रहा है, उनको भी एक बड़ा नेता बनने की तरफ, उस पर भी उनके बहुत सारे जो बूथ स्तर पे उनकी जो पार्टी है वो मजबूत हो रही जा रही है, ग्रास रूट पे काम चल रहा है। इसके लिहाज से मायावती के जो पूरा जो उनका कुनबा है उसमें एक सेंधमारी करी जा रही है। ऐसे में मायावती अगर छोटे घटक दलों के साथ नहीं बनती हैं, छोटे घटक दलों को अपने साथ नहीं लेती हैं, तो इसमें मायावती को जोखिम उठाना पड़ेगा।
ये चीज दूर दूर से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अंदर की क्या राजनीति है, अंदर की क्या बातें हैं, वो समझना भी थोड़ा सा जल्दी होगी। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो छोटे दलों के साथ भी अपना जो गठबंधन है वो बनाएंगे, वो तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ आएंगे। अंदर खाने बात भी चल रही है, आम आदमी पार्टी की बात करूं, ये जो छोटे छोटे दल है, दो थर्ड फ्रंट की बात होती है, तमाम बार ये बातें होती है कि जो बड़ी पार्टियां हैं राज्य में उसके इतर जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो भी कई दफा एक साथ आ जाते हैं और एक थर्ड फ्रंट बना लेते हैं। इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार एक बहुत बड़ी एंट्री भी है इस राजनीति में, वो है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने भी खुले खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो भी अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में है। इस थर्ड फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो थोड़े दिनों पहले मीटिंग की बात सामने आई थी निकलकर, जिसमें भीम आर्मी और शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा, उसके इतर आम आदमी पार्टी और राजभर की, ओम प्रकाश राजभर की भाजपा, ये चारों पार्टियां अंदर खाने बात हुई है, टेबल पर इनकी बात हुई है, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि थर्ड फ्रंट इस तरह से निकलकर सामने आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री ली, उन्होंने सीधे सीधे जो एक बिल्कुल अलग मुद्दा था, जो कि आज तक जैसे कि उत्तर प्रदेश पे जब हम प्रद्युम्न बात करते थे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो यहाँ पर राजनीति होती थी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, यहाँ पर राजनीति होती थी रोजगार के मुद्दे पर, यहाँ पर राजनीति होती थी जात के मुद्दे पर, यहाँ पर बिजली पानी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर भी बात होती थी। लेकिन एक जो बहुत प्रमुख मुद्दा जो आम आदमी पार्टी इस बार लेकर आई है वो है स्कूल का, कॉलेज का, शिक्षा व्यवस्था का। वो दिल्ली का जो मॉडल है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, तो उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया था, पूरे देश को उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया था कि देखिए गुजरात में जैसा उन्होंने काम किया है वैसा ही वो पूरे देश के लिए काम करने जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी करने का मूड बना चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से उत्तर प्रदेश पहुंची और उत्तर प्रदेश में वो तमाम जो बयान दे रहे हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि जैसी शिक्षा व्यवस्था, जैसे सरकारी स्कूल और जैसे वहां पर स्कूलों में जिस तरीके से जो उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव करके दिखाया है वैसा बदलाव उत्तर प्रदेश में भी वो करेंगे। ये उनके एजेंडे में शामिल है, ये वो अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करेंगे। तो अगर एक बिल्कुल जो मुद्दा जो उत्तर प्रदेश की जनता ने आज तक सुना ही नहीं, आज तक समझा ही नहीं, और जब उत्तर प्रदेश जब इतना बड़ा राज्य जिसमें माफियाओं ने एजुकेशन को एक तरीके से ओवरलैप कर रखा है, ओवरटेक कर रखा है, ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल अलग मुद्दा लेकर आती है जो मुद्दा शायद उत्तर प्रदेश की जनता को भा जाए, शायद उससे उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ भी मिले, तो ऐसे में ये जो राजनीति है इस बार थोड़ी पेचीदा होती नहीं दिख रही है? बिल्कुल, सबसे पहले आपने जिक्र किया ओवैसी का, जिस तरीके से ओवैसी 5 सीट बिहार में जीते थे तो उसके बलबूते पर वो उत्तर प्रदेश में आने की सोच रहे हैं और आ भी गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि 26 जनवरी के बाद वो संभल मुरादाबाद जिलों का भी दौरा करने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको समझने के लिए वो ऐसे ऐसे शहर जाएंगे जहाँ पर लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे तो उनको उनका पक्ष समझ में आ जाएगा, तो वो पूरी यहाँ पर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन आपने बात की फिर उसके बाद भीम आर्मी की, भीम आर्मी भी लगातार अपना चेहरा प्रमुख करती जा रही है, क्योंकि मायावती का एक समय था, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक वो समय था और उसके बाद बसपा में दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मायावती के अलावा कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बसपा पार्टी को संभाल सके, आगे उसकी नैया पार कर सके। इसलिए जो खासकर जो दलित वोटर हैं मायावती के, वो अब भीम आर्मी को सपोर्ट करने लगे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। लेकिन मायावती ने जिस तरीके का चुनाव से पहले यह फैसला दे दिया है, जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर जो सियासत होती है वो एक डिफरेंट लेवल की होती है, उसको समझना और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अखिलेश यादव की बात करते हैं तो अखिलेश यादव लगातार ये सोच रहे हैं कि छोटे दलों से गठबंधन किया जाए जिससे अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत किया जा सके। लेकिन इसके उलट मायावती ने इस तरीके का बयान दे दिया है कि वो गठबंधन किसी से भी नहीं करेंगी, तो कहीं ना कहीं घाटा तो मायावती को झेलना पड़ जाएगा। और ऐसे में अगर मायावती गठबंधन करती भी, अगर ओवैसी से भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो जाता तो सबसे बड़ी बात यह हो जाती कि दलित वोटर और मुस्लिम वोटर दोनों ही पक्ष में रहते मायावती के, तो कहीं ना कहीं उनकी सीट उत्तर प्रदेश में ज्यादा निकल कर आती, क्योंकि ओवैसी को एक दिग्गज चेहरा है, भले पहली बार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे और दलित वोटर है वो भी सपोर्ट करेंगे अगर गठबंधन होता तो, ऐसे में फायदा हो सकता था, लेकिन वो फायदा यहां पर नहीं हो रहा है। फिर आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो दिल्ली मॉडल है उनका, वो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश मॉडल बनाने की वो सोच रहे हैं, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सुरक्षा की बात हो या स्कूल की बात हो, ऐसे में शिक्षा की बात यहां पर रखी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कमी है, अगर आप पार्टी उनको लेकर चलती है तो कहीं ना कहीं फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पकड़ है, उस पकड़ को तोड़ना बेहद मुश्किल यहां पर नजर आएगा।
जी बिल्कुल, पकड़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी संरचना करने में तैयारी में लगी हुई हैं। आपको अपने दर्शकों के लिए एक टाइमलाइन समझा देता हूं, क्योंकि मायावती की हम बात कर रहे हैं, उनके बड़े बयान को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो एक टाइमलाइन समझाने की कोशिश करता हूं। 2007 में माइलस्टोन विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत, बहुमत के साथ मायावती जी यहाँ पर सरकार बनाती हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, पद संभालती हैं। उसके बाद 2012, जस्ट 5 साल बाद मायावती की करारी हार और जीतते हैं समाजवादी पार्टी। इसके बाद 2017 में सिर्फ 19 सीटें। अब आ गया 2022, इसका मतलब करारी हार के बाद 19 सीटों पर आती हैं, उसके बाद अब 2022 का चुनाव होना है। टाइमलाइन में ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-5 साल का अंतर है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हम बिल्कुल एक साल पीछे चले जाते हैं। जब हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो बसपा और सपा ने 7 चुनाव लड़ा जिसमें 10 सीटें मिली बसपा को, लेकिन इसके पीछे बात ये हुई, अंदर खाने चर्चा ये हुई, पीठ पीछे ये बातें होती रही कि ये जो 10 सीटें मिली हैं ये कहीं ना कहीं फायदा समाजवादी पार्टी की वजह से मिला है, सपा के चलते बसपा को फायदा मिला है, क्योंकि सपा को बहुत बुरा हाल हुआ था, 5-6 सीटें के आसपास वो जीत पाई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ये जो हल्की हार थी ये बसपा की हल्की जीत थी, इसको इस नज़र से देखा जाता था। लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था, बहुत बड़ा कोई वोटर का जो मार्जिन था वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना, वो भी जब सामने आपके भाजपा हो जिसकी जमीन बहुत मजबूत हो चुकी है, भाजपा की जमीन मजबूत है, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हम लोग देख चुके हैं। ऐसे में जब जमीन इतनी मजबूत हो, जब सामने इतने बड़े प्रतिद्वंदी मौजूद हो, जब सामने इतनी बड़ी पार्टी मौजूद हो, तो विपक्ष के लिहाज से अपने आप को हल्का करना, क्योंकि हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि भाजपा जहां पर मजबूत है वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक महागठबंधन की शक्ल ले लेती हैं। बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन महागठबंधन की शक्ल अख्तियार करने के बाद भी वो वोटर्स को इतना पोलराइज नहीं कर पाती जितना बीजेपी कर लेती है। बीजेपी वोटर्स को बनाए रखती है, लेकिन जो बाकी जो तमाम बाकी पार्टियां हैं महागठबंधन की शक्ल लेने के बाद, वो फिर जो संरचना करती हैं, जो अपनी जातियों को, वोट बैंक को, या फिर बाकी जो तमाम मुद्दों पर जिस तरीके की बातें चलती हैं, उसके बाद भी वो चीज नहीं निकलकर सामने आ पाती जो अगर आंकड़ों के हिसाब से, जब आंकड़ेबाज जो होते हैं, जो बड़े राजनीतिक होते हैं, जब वो समझते हैं कि ये वोटर इतना है, ये वोटर इतना है, ये वोटर इतना है, अगर तीनों को ऐड ऑन कर दिया जाए तो उनको हराना आसान हो सकता है। लेकिन जब हम राजनीति में देखते हैं, जब हम चुनाव के बाद इस चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो पाते हैं कि सारे गणित फेल हो जाते हैं, जैसा कि हमने जस्ट अभी थोड़े कुछ दिनों पहले बिहार चुनाव में देखा था। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर गणित की बात करें, जैसा कि समाजवादी पार्टी सोच रही है कि समाजवादी पार्टी के मन में है कि सपा का अपना वोटर होता है, इसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं उनके भी कुछ वोटर्स होते हैं, तो अगर सबको मिला के एक साथ लेके चलते हैं तो शायद आंकड़ों की शक्ल में ऐसा दिखता हो कि वो बीजेपी को मात दे देंगे, लेकिन ये जब तस्वीरों में जब सामने निकल कर आता है, जब चुनाव के बाद जब आंकड़े सामने आते हैं, तो ऐसा देखने को नहीं मिल पाता। ऐसे में बीजेपी ने अपनी जो जमीन मजबूत की है, इतनी बड़ी जमीन बना ली है, इतना तगड़े से पकड़ कर ली है, ग्रास रूट पर बहुत काम किया है, कार्यकर्ता बहुत सारे, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में इतनी मजबूत शक्ल के सामने, इतनी मजबूत पार्टी के सामने अकेले जाना, ये जोखिम भरा फैसला तो हो सकता है या फायदा भी हो सकता है, लेकिन ये मूव कैसा है, इस मूव को आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जब बीजेपी यहां पर आई थी तो उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं अभी बीते सालों में हुई हैं, चाहे किसान मुद्दे की बात करें या कोई भी बात करते हैं, तो वो फैक्टर जरूर उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा आज था वो ये था कि जिस तरीके की मायावती ने एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है, लेकिन अगर इतना बड़ा ऐलान होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें तो सामने होती हैं, और ये राजनीति है, और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले कोई मायावती बड़ा ऐलान करते, क्योंकि ऐलानों का जो दौर है वो तो लगातार यहां पर देखने को मिलता है। अभी ये ऐलान हो गया है, लेकिन आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा चेहरा बसपा में आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान फिर से हो जाए। तो काविंद्र, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि राजनीति है, इसको मापना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो ये समय बताएगा कि किस तरीके की अब आगे की जो रणनीति है वो बसपा पार्टी की रहनी है। फिलहाल बीते दिन मायावती का जन्मदिन था और उस पर बड़ी घोषणा यहां पर मायावती की तरफ से कर दी गई है, लेकिन यह जरूर समय बताएगा कि 2022 का चुनाव बसपा के लिए कैसा रहता है, क्योंकि मायावती ने इस बात का जिक्र किया है कि 2022 में बसपा की पार्टी बनेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।